स्मार्ट सिटी धर्मशाला प्रोजेक्ट के तहत ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना के अंतर्गत 342 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए शहर के 4 स्थानों में सोलर पावर प्लांट स्थापित कर दिए हैं, जिसमें क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय, खेल विभाग का इंडोर स्टेडियम व सामुदायिक भवन कोतवाली बाजार शामिल है। बिजली बोर्ड से बिजली खरीदने की बजाय अपने कार्यालय के छत के सौर सिस्टम से तैयार होने वाली बिजली से 4 कार्यालय चलेंगे। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत पहला ऐसा कार्य है जिसे 1.59 करोड़ रुपए खर्च करके पूरा कर लिया गया है। अब मात्र शिमला से इलेक्ट्रिकल विंग से औपचारिक हरी झंडी मिलना बाकी है। इसके लिए स्मार्ट सिटी द्वारा अब इलेक्ट्रिकल विंग शिमला के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को पत्र लिखा गया है। अब वह धर्मशाला में पहुंचकर केवी को फाइनल करेंगे, जिसके बाद स्मार्ट सिटी में सूरत से बिजली को तैयार कर कामकाज चलाया जाएगा। इससे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बिजली की बचत भी हो सकेगी, साथ ही कार्यालयों को बिजली बिल का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। उक्त सोलर सिस्टम को शहर में बनाने के लिए 1.59 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड धर्मशाला के निदेशक एवं नगर निगम धर्मशाला के महापौर देवेंद्र जग्गी ने बताया कि धर्मशाला शहर में 4 महत्वपूर्ण भवनों में सोलर सिस्टम का कार्य पूरा कर लिया गया है और शिमला को पत्र लिखा गया है, जिसके बाद विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कंपोनेंट था जिसमें सोलर टॉप रूफ लगानी थी, जो कि सरकारी बिल्डिंग्स पे पहले लगानी थी। तो जब सर्वे किया गया तो पहले 4 बिल्डिंग्स इसमें ली गई हैं, जो कि एक तो साई हॉस्पिटल जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है वहाँ पे, और एजुकेशन बोर्ड, जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला और कम्युनिटी हॉल धर्मशाला। इस पे इसका टेंडर लगा था, जो जिसका कि लगभग 1.5 करोड़ का टेंडर था ये, और ये चारों बिल्डिंग पे सोलर टॉप रूफ जो है पैनल लग चुके हैं इसमें, और इनकी 342 किलोवाट की इनकी एनर्जी थी इसमें, और ये सारी चारों बिल्डिंग पे ये तैयार हो चुका है। और बिजली बोर्ड से जो औपचारिकताएँ जो अभी थोड़ी सी रह गई हैं शिमला से होनी है, उसके बाद ये शुरू हो जाएंगी सारी। और इसका फ़ायदे की जो आपने बात की, इसमें जैसे कि हम लोग एजुकेशन बोर्ड की बात करें तो उसमें लगभग 1.5 लाख रुपया बिल आता था बिजली का, तो अगर सोलर पैनल वहाँ पर लग गया तो मुझे लगता है बिल्कुल वो जीरो हो जाएगा उनका, और ये बहुत बढ़िया गवर्नमेंट की स्कीम है। और फ्यूचर में हम और भी सरकारी जो बिल्डिंग है उन पे भी लगाने जा रहे हैं, जिससे ये बिजली का खर्चा जो सरकारी महकमा ये कम हो। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कार्य हो रहा है वे बेहद सराहनीय है और ग्रीन एनर्जी को इसमें टैप करने का यह सारा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा बोर्ड में भी सोलर पैनल लगाए गए हैं और इससे 2 लाभ होंगे। सोलर पैनल लगने से ये फायदा इस प्रकार से होगा। नंबर 1, जो भारी भरकम बिल आता था इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें बहुत कमी आएगी। ये जो सोलर पैनल शिक्षा बोर्ड को उपलब्ध करवाया जाएगा, ये 100 वाट का है, तो अभी जुलाई महीने की बात करें तो जो बिल दिया है बिजली का वो 1,70,513 रुपये ऐसा बिल दिया है। तो कुल मिला के लाखों में बिल हमारा चला जाता है वर्ष भर, तो इसमें बहुत कमी आएगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि ग्रीन एनर्जी सही से टैप होगी, और ये शाश्वत एनर्जी है, सस्टेन्ड एनर्जी है, एकदम से उपलब्ध होने वाली एनर्जी है, तो ये बहुत ही अच्छा काम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किया जाएगा।